अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो टी एस टी एल एस 917। मैं ताहिर, उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो आज का टॉपिक आपको पता चल गया कि आप किसी भी मोबाइल को अपना वाटरप्रूफ कैसे बना सकते हो। तो हम आपको दिखाएंगे हमने अपना कैसे वाटरप्रूफ बनाया मोबाइल, तो आप भी देखें और आप भी ट्राई करें कि बआसानी आप अपना मोबाइल वाटरप्रूफ बना सकते हो। तो हमने एक वाटर पाउच लिया है और हमें पता नहीं है, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये मेरे मोबाइल को सेव रखेगा। तो हम आपको भी दिखाते हैं और पहली बार ट्राई कर रहे हैं और आप भी देखें कि कैसे हम अपने मोबाइल को वाटरप्रूफ बना सकते हैं वाटर पाउच से। तो आओ चलो हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे वाटरप्रूफ बनाते हैं अपना मोबाइल, और आप भी इसी तरह बिल्कुल अपना मोबाइल अच्छे तरीके से वाटरप्रूफ बनाएं और पानी के अंदर वीडियो बनाएं। तो चलो तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो ये हमारे पास एक वाटर पाउच है, तो बाउल भी है हमारे पास शीशे वाला और पानी भी मैंने उठा लिया है, और ये मैंने मार्केट से 200 का लिया है। तो अब देखते हैं, इसकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। तो अब हम, ये हमारे पास मोबाइल भी है, ये देखो ये फिंगरप्रिंट सब कुछ ओके, वीवो का मोबाइल है Y12। ये देखो अच्छी कंडीशन में चल रहा है बिल्कुल एकदम। अभी हम इसको ट्राई करेंगे पानी में डाल के, देखते हैं तो क्या बनता है, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके ये लॉक हैं जो हम ओपन कर रहे हैं, और ये इसमें से इसका ये बैंड है, ये धागा टाइप ये रस्सी दी हुई है। तो ये देखो मोबाइल चल रहा है, और ये आपके सामने मोबाइल चल रहा है, कोई डमी नहीं है। और अब हम इसको इसके अंदर डाल रहे हैं, और ये इसके लॉक बंद हो गए हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरा मोबाइल ख़राब ना हो जाए, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं, इसको अंदर नहीं जा रहा, तो ये चला गया देखो। अब ये ऊपर से हम इसको पानी डालेंगे, और तो दोस्तों अब हमने फुल पानी डाल दिया, और अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं, ये अभी भी ऑन है, ये देखो ऑन काम कर रहा है, पानी के अंदर है, ये देखो ये सारा पाउच सारी साइड पानी के अंदर है, आप देख सकते हो मोबाइल, और ये गया पानी में इस साइड से, और ये ऐसे, ये देख लो पानी के अंदर चला गया सारा पानी है। अभी तक तो ठीक है, आगे देखो क्या होता है, ऑन हो गया। और हम इस पे एतबार कर सकते हैं, ये मोबाइल ख़राब नहीं करता। ये दोबारा से ये देखो, अब ये पानी के अंदर है, अब हम इसको चेक करते हैं कैसी हालत है। तो दोस्तों अब हमने इसका वीडियो ऑन कर लिया, और ये स्टार्ट कर दिया, वीडियो बन रही है आपके सामने, ये टाइम स्टार्ट हो गया है, और ये पानी के अंदर जा रहा है मोबाइल, मोबाइल पानी के अंदर है और वीडियो बन रही है, देखो आपके सामने है, देखो इधर। पानी से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये बच गया या अभी काफ़ी गीला हो गया, लेकिन अंदर से देखते हैं कि ये सही है, ये पाउच ने ये काम किया, वाटरप्रूफ है कि नहीं है। तो मैं अपने हाथ खुश करके देखता हूँ इसको, तो दोस्तों ये काम कर रहा है अभी भी, ये बिल्कुल ठीक है, मेरे हाथ गीले हैं लेकिन ये अभी भी ठीक है, ये देखें ये काम कर रहा है। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें, ये अच्छा है वाटर पाउच, गीला हो गया लेकिन इसने मोबाइल को सेव रखा है। तो आप भी इससे वाटर पैक मोबाइल बना सकते हैं, हमने आपको दिखाया, काफ़ी अच्छा था ये। तो आप भी इसको इस्तेमाल करो,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा मोबाइल पानी के अंदर जाने के बाद बचेगा, लेकिन ये काम कर रहा है, इसने अच्छे से काम किया है और मोबाइल मेरा सेव है। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो जितनी ज़्यादा हो सके। हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।